हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 5th। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गोरैया रानी आजा। इसमें गोरैया की कहानी है। बच्चों, आपने देखा होगा शायद गोरैया को। ये जो चित्र है यही गोरैया है, जिसको हम अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। बच्चों, जिसको हम अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं, तो आप में से मैं समझती हूँ कि सभी बच्चे इस चिड़िया से परिचित होंगे, लेकिन अब हमें ये चिड़िया बहुत कम मात्रा में दिखाई देती हैं। पहले दादी दिखाई देती हैं। तो बच्चों, आज हम इसी गोरैया के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ें। ओरी गोरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे, गोरैया रानी आजा रे। ओरी गोरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आजा रे। ये जो पंक्तियां आपने सुनी, ये पंक्तियां हमें बचपन में हमारी दादी नानी माँ सुनाया करती थी। और बच्चों का सर्वप्रथम परिचय जिस चिड़िया से होता था बच्चों, वो गोरैया ही हुआ करती थी। आज हमारे इसी गोरैया पर संकट आ गया है। अब आप पूछोगे बच्चों कि संकट, कैसा संकट आ गया है, कैसी मुसीबत आ गई है। तो बच्चों, आज गोरैया हमारे आंगन में फुदकती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं रहा, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम नहीं रहने के कारण गोरैया धीरे धीरे हमारे नजरों से दूर हो गई। आज हमें वो दिखाई नहीं देती है। और तो ऐसा हम व्यवहार अगर करते रहे गोरैया के साथ या किसी भी पशु पक्षी के साथ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि गोरैया का नामो निशान इस धरती पर से मिट जाएगा। नामो निशान का मतलब होता है बच्चा पहचान और नाम। इसका पहचान, गोरैया की पहचान और उसका नाम भी शायद धरती से मिट जाए। 15-20 साल पहले तक बच्चा सबसे पहले इसी चिड़िया को पहचानना सीखता था। पड़ोस के लगभग हर घर में या गोरैया का घोंसला होता था। पड़ोस के हर घर में गोरैया का घोंसला होता था। वहां आंगन में या छत की मुंडेर पर दाना चुगती थी। मुंडेर का मतलब होता है बच्चों छत की दीवार का उठा हुआ भाग, जो होता है उस पर बैठी हुई यह गोरैया हमें दिख जाती थी दाना चुगते हुए। चाहे हम बस अड्डे पर जाएं या रेलवे स्टेशन पर जाएं, सभी जगह यह हमें फुदकती हुई दिखाई देती रहती थी। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे जीवन से जुड़ी गोरैया अब संकट में है। प्राचीन काल मतलब बहुत बहुत पुराने समय से ही गोरैया हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब यह गोरैया जो है खतरे में है। जीवन इसका मुसीबत में पड़ा हुआ है। संख्या में लगातार गिरावट से इसके विलुप्त होने का खतरा हो गया है। विलुप्त का मतलब होता है बच्चों गुम हो जाना, खत्म हो जाना। तो धीरे धीरे इसकी संख्या में जो गिरावट हो रही है, संख्या जो इसका कम हो रहा है, जिसके कारण यह गुम होने के कगार पर आ गई है। इसलिए प्रत्येक वर्ष इसके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को बच्चों विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। गोरैया का भारतीय लोगों के जीवन में विशेष स्थान रहा है। गोरैया का भारतीय लोगों के जीवन में बच्चों विशेष स्थान रहा है। घरों में, धार्मिक कार्यक्रमों में और समारोहों में दीवारों पर जो फूल पत्तियां बनती थी, पेड़ पौधे के साथ गोरैया का भी चित्र बनाया जाता था। कई आदिवासी लोक कथाओं का मतलब होता है बच्चों लोगों के बीच प्रचलित कहानी। तो कई आदिवासी ऐसी लोक कथाएं हैं जिसमें गोरैया का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र की आदिवासी जाति जिसको वर्ली कहा जाता है, इस आदिवासी जाति की उत्पत्ति 3000 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है बच्चों। उस समय भी उनकी लोक कथाओं में, उनकी कहानियों में लोगों के बीच ये गोरैया प्रचलित थी। तथा उड़ीसा की सौरा आदिवासी जाति,
सौरा आदिवासी जाति के भी लोक कथाओं जो उस समय रामायण और महाभारत के समय की गाथा है उसमें भी इसका नाम साबरा के नाम से गोरैया का जिक्र मिलता है, गोरैया का जिक्र मिलता है साबरा के नाम से। तो हमने इस तरह से आप देखे हो, देखे बच्चों कि गोरैया कितनी पुरानी चिड़िया है और उनकी लोक कथाओं में, आदिवासी लोक कथाओं में गोरैया के चित्र बनाने की भी परंपरा मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति में यह चिड़िया इस तरह रची बसी है कि प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी गोरैया में कामना की है कि हमारे शहरी जीवन को अपनी चहचहाहट से भरने के लिए गोरैया चिड़िया फिर लौटेगी। तो गोरैया इतनी हमारे उत्तर भारत के संस्कृति में इतनी रची बसी है कि हमारी महादेवी वर्मा जो एक कवित्री हैं, लेखिका हैं, उन्होंने अपने कहानी गोरैया में इसे फिर से लौट आने की कामना करती है कि ये लौट आए और हमारे घर आंगन में आकर चहचहाए। गोरैया किसी एक राज्य की चिड़िया नहीं है बच्चों, यह तो पूरे भारत की चिड़िया है। गोरैया का वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिक्स है। गोरैया का वैज्ञानिक नाम बच्चों पेसर डोमेस्टिक है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों भाषाओं में अलग अलग नामों से, स्थानीय नामों से पुकारा जाता है बच्चों। तो आज इतना ही इस कहानी में बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।